तो जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मेरे एक सब्सक्राइबर का HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड कल के डेट में ही मुझे यहाँ पे मिला है, और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे बड़ी बात है, ये जो मेरा सब्सक्राइबर है, इनके अकाउंट में सिर्फ 30 रुपये ही बैलेंस मेंटेन था, इसके बावजूद भी इनको ये क्रेडिट कार्ड मिला है। इनका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक नहीं था। अगर आप लोग भी HDFC बैंक के कस्टमर हैं, या फिर आप लोग अगर HDFC बैंक का कार्ड लेना चाहते हैं, आपके पास सेविंग अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा वो कौन सा टिप है जिसके मदद से आप लोग आसानी से आप लोग HDFC बैंक का कार्ड ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अकाउंट में सिर्फ 30 रुपये मेंटेन था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में इनके अकाउंट का सारा कुछ दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको यहाँ पे अप्रूवल मिला है। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि इतना आसानी से HDFC बैंक तो किसी को कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इनको किस तरह से यहाँ पे कार्ड दे दिया गया है। तो अगर आप लोग भी इस ट्रिप को अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से आप लोगों को कार्ड मिल सकता है। बस आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जिसके मदद से आप लोग ले सकते हैं। और गाइज, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं तो मेरे अकाउंट 25,000 मेंटेन था मैक्स अकाउंट के साथ, तब मुझे प्री अप्रूवल ऑफर मिला था 8 से 9 महीने के बाद। लेकिन इनका अकाउंट सिर्फ 6 से 7 महीने पुराना है, फिर भी इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया, वो भी बिल्कुल आसानी से। इनके अकाउंट में सिर्फ 30 से 40 रुपये मेंटेन था। तो आपको सब कुछ बताएंगे, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए कि वो कौन सा तरीका है जिसके मदद से इनका यहाँ पे कार्ड अप्रूवल हुआ है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे चलेंगे। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों के लिए कुछ स्क्रीन शॉट मैंने वहाँ पे रखा है, तो सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे ताकि आपके मन में जो डाउट है आसानी से क्लियर हो सके कि आपका मेंटेन बैलेंस वाला अकाउंट होगा तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। और आपका अकाउंट में 200, 300, 400 रुपये अगर है तो फिर भी आपको कार्ड मिल सकता है, तो आप किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है वो चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा। तो अभी मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनको जो यहाँ पे कार्ड मिला है, प्री अप्रूव ऑफर में इनको कार्ड यहाँ पे दिया गया है। 32,000 का लिमिट यहाँ पे इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये देख सकते हैं। और इनके अकाउंट में बैलेंस सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं 31 रुपये 70 पैसा इनके अकाउंट में बैलेंस है। तो किस तरह से अप्रूवल हुआ है सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो है इनका कार्ड कब अप्रूव हुआ था। ये देख सकते हैं मैसेज वगैरह यहाँ पे इनको आया हुआ है। मैं इन स्क्रीन शॉट लेके इनसे रखा हुआ हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आपके पास भी एक क्रेडिट कार्ड हो। आप लोग देख सकते हैं 28 नवंबर के डेट में यहाँ पे जो है इनका कार्ड अप्रूव हो गया था। उसके बाद कल के डेट में इनको यहाँ पे ये कार्ड जो है फिजिकल कार्ड मिल चुका है। उसके बाद गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी वगैरह, यहाँ पे नाम पता सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। और मैं आप लोगों को अब बताना चाहूँगा कि इनके अकाउंट में सिर्फ 30 रुपये होने के बाद इनका कार्ड अप्रूव क्यों हुआ। और जब मैं सिविल स्कोर इनका चेक करने गया तो सिविल स्कोर इनका 0 है, अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है। लेकिन इनका एक ही जो है क्वालिटी था, इनका HDFC बैंक में एक सेविंग अकाउंट था जो कि यहाँ पे सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट था। अगर आप लोग भी कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी सैलरी अकाउंट है जिसमें आप लोगों का सैलरी आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको कार्ड तो मिलना ही मिलना है। सैलरी अकाउंट होने से यहाँ पे एक जो है क्वालिटी आपके अंदर ये आ जाता है, बैंक को ये एक संदेश जाता है कि आपका एक जो है फिक्स आपका कोई वर्क है, आप जिसके मदद से आप लोगों का फाइनेंस आपका यहाँ पे मेंटेन है, आपको जॉब है, आपका यहाँ पे इनकम आता है उस प्लेटफॉर्म से। तो इसीलिए आपका सैलरी अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर आपको मिलता है। और इनके अकाउंट में 200, 300, 400 रुपये ही मेंटेन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। और जिसमें कार्ड अप्रूव हुआ था उस समय 30 रुपये ही सिर्फ इनके अकाउंट में था, फिर भी इनको 32,000 का क्रेडिट लिमिट का ये कार्ड मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ, और ये कल के डेट में ये मिला था, ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे। और अगर आप लोग गाइज यहाँ पे लेना चाहते हैं तो सैलरी अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, सैलरी अकाउंट होने से आप लोगों को मेंटेन बैलेंस नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको 3 महीने के अंदर आपका जो है किसी न किसी तरह से सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। तो आप लोग कहीं भी कोई काम कर सकते हैं, उसके बाद आपका एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। गाइस, आपके पास यही एक जो है चांस होता है, अगर आप लोग कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके पास एक सैलरी अकाउंट हो। सैलरी अकाउंट होने से 100% आपको 6 से 7 महीने के अंदर प्री अप्रूव ऑफर में मिल जाता है। अगर ऐसे आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी कुछ प्रक्रिया होता है, जैसे कि इनकम प्रूफ आपको शो करना पड़ेगा, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद भी आपका कार्ड यहाँ पर जो है अप्रूवल होने का चांस बहुत कम रहता है। लेकिन अगर आप लोग मैक्स अकाउंट खोलते हैं या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हैं जिसमें आपका मेंटेन अकाउंट है, जैसे कि 10,000, 25,000 या फिर उससे भी ज़्यादा मेंटेन करके रखे हैं, तो उस समय आपका कार्ड हो जाता है। और लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सैलरी अकाउंट होने से यहाँ पे मेंटेन बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपका यहाँ पे जो है कोई भी फिक्स है, आपका जॉब होना चाहिए, उसके बाद आपका सैलरी क्रेडिट होना चाहिए हर महीने।
तो यहाँ पे बैंक की तरफ से एक ये भी वसूल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि अगर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट तो आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पे महीने के हिसाब से अगर आपका सैलरी क्रेडिट नहीं होता है तो आपका 3 से 4 महीने के अंदर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट कर दिया जाएगा, जिसमें आपका मेंटेन बैलेंस नहीं होने के कारण आपका चार्ज यहाँ पे कटता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों के पास अगर कोई जॉब है तो 100% आप लोग सैलरी अकाउंट आप लोग खुलवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस एपिसोड में बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि अगर आप लोग HDFC बैंक का कार्ड लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को 100% अप्रूवल के साथ ये कार्ड मिलता है, तो इसके लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई मन में अगर डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर ले या फिर कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज कुछ ऐसा ही नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।